अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री विद रवैया हकीम। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ बेसिस। हम पढ़ रहे हैं 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10। बेसिस के रिएक्शन तो बहुत सारे हैं बेसिस के, बट आपके सिलेबस में सिर्फ तीन तरह के रिएक्शंस हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल के साथ। सो पहला हमारे पास रिएक्शन ऑफ, पहले हम देख लेते हैं कि बेसिस होती क्या है। बेसिस हमारे पास हो सकती है कोई भी चीज़ की, हाइड्रोक्साइड, इनका हाइड्रोक्साइड हमारे पास बेस है, इसके अलावा जिंक हाइड्रोक्साइड हमारे पास बेस है, लेड हाइड्रोक्साइड हमारे पास बेस है। हम कुछ बेसिस का रिएक्शन देखेंगे यहाँ पर, और आमतौर पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ज़्यादा रिएक्शन है, हम उनको ज़रा डिटेल से देखेंगे। ओके जी, रिएक्शन ऑफ बेसिस की बात करें तो पहला रिएक्शन है हमारे पास विद एसिड्स। पहला रिएक्शन हमारे पास एसिड के साथ है, जिसको हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद होगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। सो पहला रिएक्शन एसिड के साथ है, तो हमने पहले भी बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि एसिड में होता है हाइड्रोजन और बेस के पास होता है OH। सो मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, डिटेल से रिएक्शन अगर आप देखने हैं तो उस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। ओके जी, एसिड का रिएक्शन हम करवा रहे हैं, यहाँ मैं दोनों चीज़ों को देख लें, ब्लू से लिख रहा हूँ। सो यहाँ पर HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक एसिड का बेस से रिएक्शन देखें तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जिसमें मेटल में H के अलावा जो चीज़ है वो किस में, सॉरी एसिड में H के अलावा जो चीज़ है वो मेटल के साथ मिल जाएगी। तो एसिड के इसमें H के अलावा Cl है, ये मेटल के साथ मिलकर बना देगा NaCl, और यहाँ पर हमारे पास क्या बनना है, साथ H और OH मिलकर बना देंगे वाटर। सो एसिड के साथ रिएक्शन तो बड़ा सिंपल सा है कि क्या बनना है एसिड के साथ रिएक्शन में। एसिड के साथ जब भी बेस का रिएक्शन होगा तो आपके पास एक तो साल्ट बनेगा रिस्पेक्टिव, जो भी एसिड और बेस होंगे, और दूसरा वाटर बनेगा, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट हमने देखना है रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट। तो यहाँ पर हमने देखना है अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें बनेगा क्या, इसमें बनेगा रिस्पेक्टिव साल्ट प्लस इसमें बनेगी अमोनिया गैस प्लस इसमें बनेगा वाटर। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस रिएक्शंस। अमोनियम साल्ट कुछ मैं लिख लेता हूँ, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, एक अमोनियम साल्ट है, अमोनियम सल्फेट, आपके सिलेबस में ये अमोनियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड है, इसलिए मैं यही लिख रहा हूँ, अमोनियम सल्फेट। एक दो और लिख लेते हैं जी, अमोनियम फॉस्फेट। ओके जी, इसमें अमोनियम फॉस्फेट में इसका फार्मूला कुछ यूँ बनेगा, और अमोनियम सल्फेट के अंदर ये यूँ बनेगा, ठीक हो गया। सो अब हम इनका रिएक्शन देख लेते हैं बारी बारी, किसी न किसी बेस के साथ रिएक्शन देखेंगे हम। इसका रिएक्शन हम देखेंगे, इसका अमोनियम क्लोराइड का इसका रिएक्शन देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसका रिएक्शन देख लेते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और इसका रिएक्शन देख लेंगे हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सो अब यहाँ देखें तो ये OH मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, क्योंकि बेस ने देना है OH, एसिड ने देना था H, एसिड देता है H, बेस देती है OH। ओके, अमोनियम क्लोराइड में अब वही पुराना रूल क्या था, एसिड में H के अलावा जो चीज़ है, यहाँ क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम के अलावा जो चीज़ है, अब ज़रा डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं, अमोनिया और अमोनियम के अंदर, सो NH3 इज अमोनिया, और इसमें एक हाइड्रोजन अगर ऐड हो जाए तो, और पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे अमोनियम, दिस इज अमोनियम। ओके, सो अमोनियम के अलावा जो चीज़ होगी वो मेटल के साथ मिल जाएगी, तो बड़ी सिंपल सी बात होगी, अमोनियम के अलावा Cl है वो मेटल के साथ मिलकर बना देगी NaCl, प्लस अमोनियम में से एक हाइड्रोजन निकाल के इसको दे दें, अमोनियम में से एक हाइड्रोजन निकाल के इसको दें OH, और यहाँ से H बन जाएगा वाटर। बच क्या गया यहाँ पर, NH4 था, एक H निकाल के दिया उसको, तो यहाँ बच गया NH3, सो यहाँ पर बनेगा NH3 अमोनिया गैस। सो ये बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, यहाँ पर भी हम इस रिएक्शन को ज़रा समझते हैं, अमोनियम सल्फेट में अमोनियम के अलावा जो भी चीज़ होगी वो मेटल के साथ मिल जाएगी, अमोनियम के अलावा सल्फेट है, ये मेटल के साथ मिलकर बनाएगा कैल्शियम सल्फेट, प्लस अमोनियम से एक H निकाल के दे दें OH को, H और OH मिलकर बनाएंगे वाटर, प्लस क्या बनेगा यहाँ पर बच क्या गया, अमोनिया, NH4 में से एक H निकाल के हमने OH को दिया था, और यहाँ दो वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे और यहाँ दो अमोनिया के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। सो सिंपल रिएक्शन था बड़ा। यहाँ पर देखें तो ये भी ऐसे ही है कि अमोनियम
साल्ट्स में अमोनियम आयन के अलावा जो भी चीज होगी वो किसके साथ मिल जाएगी? मेटल के साथ। तो यहां पर मिलकर बनेगा एल्यूमिनियम फॉस्फेट। ओके, नेक्स्ट अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकाल के OH को दे दें, बन जाएगा वाटर। HOH क्या बनेगा? वाटर। यहाँ पर तीन मॉलिक्यूल बन जाएंगे वाटर के, और प्लस अमोनियम में से एक H तो निकाल लिया, क्या बच गया पीछे? अमोनिया। तो यहाँ पर तीन मॉलिक्यूल बन जाएंगे अमोनिया के। क्या बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। एंड अमोनिया इज गैस, यू नो, और इसकी भी पंजेंट स्मेल होती है अमोनिया गैस की। ये दो रिएक्शन तो हमारे पास हो गए, रिएक्शन विद एसिड एंड रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट। और एक और रिएक्शन है जिसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक और टाइप है, सॉरी, उसको ज़रा मैं यहाँ पर डिटेल से समझाता हूँ आपको। ओके जी, सो उनको बोलते हैं जी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। बेसिकली वहाँ पर हाइड्रोक्साइड बन रहे होंगे और उनके प्रेसिपिटेट बनेंगे। प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड लिख लेते हैं, या प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। बेस के अंदर जो भी हाइड्रोक्साइड होगा वो आगे कोई प्रेसिपिटेट बना रहा होगा, और हम बेस वो यूज़ करेंगे जो कि वाटर में सोलबल होती है। और हमारे पास कौन सी बेस है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम डिफरेंट एसिड, डिफरेंट साल्ट लेंगे, उनके साथ हम रिएक्शन देखेंगे। पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं जी कैल्शियम सल्फेट के साथ, आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन देखेंगे, कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन देख लेंगे, और इसके अलावा हम देखेंगे रिएक्शन आयरन क्लोराइड के साथ। इसके अलावा हम आयरन क्लोराइड के अलावा हम देख लेंगे लेड सल्फेट के साथ या लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन देख लेंगे, और इसकी वैलेंसी हमारे पास होती है 2। और एक बच गया जिंक क्लोराइड, इसके साथ भी रिएक्शन देख लेंगे हम। रिएक्शन में यूज़ करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबके बाद हर रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करना है हमने। मैं OH को जो है वो ब्लू से शो करूँगा। ओके, ज़रा देखिएगा यहाँ पर क्या बनेगा। ओके, मेरे पास ग्रीन नहीं है, बहरहाल चलें, फिर भी कोई बात नहीं। OH, दिस इज़ OH, OH, OH। सो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हो रहा है। अब होगा क्या, यहाँ से इसमें इस साल्ट में जो मेटल के अलावा जो भी चीज़ है वो इस मेटल के साथ मिल जाएगी। मतलब ये एक तरह से रिप्लेसमेंट, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पर मेटल जो है दूसरी मेटल को डिस्प्लेस करेगी, सोडियम इसको डिस्प्लेस कर देगी, इसकी जगह पे आ जाएगी। जब सोडियम इसको डिस्प्लेस करके इसकी जगह पे आएगी तो हमारे पास बनेगा सोडियम सल्फेट। सोडियम ने डिस्प्लेस किया कॉपर को और सल्फेट के साथ मिलकर सोडियम सल्फेट बना दिया, कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर बना देगा कॉपर हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर इसको हम स्टेबल करें तो हमें 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ बैलेंस हो गया ये। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ, हमने कहा था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो इसके जो प्रेसिपिटेट बनेंगे वो कैसे होंगे? ब्लू प्रेसिपिटेट होंगे। मज़े की बात, ये भी ब्लू से लिखा है, बट दूसरे प्रेसिपिटेट के लिए हमारे पास वैसे कलर नहीं है। आयरन सल्फेट और हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होगा तो हमारे पास बनेगा, देखें इसने डिस्प्लेस कर देना है सोडियम, इसको डिस्प्लेस करके बनाएगा सोडियम सल्फेट। और दूसरी बात, ये इसके प्रेसिपिटेट बने हैं तो ये ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ये सॉलिड फॉर्म में अलग हो जाएगा, इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे। ये तो एक्वस है, ये तो पानी में डिजॉल्व रहेगा। सो एन ए इसको डिस्प्लेस कर देगा और बना देगा सोडियम सल्फेट, प्लस हमारे पास ये जो आयरन है ये OH के साथ मिलकर बना देगा आयरन हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड। और इस आयरन हाइड्रोक्साइड के जो कलर होगा वो होगा ब्राउन, ब्राउन कलर होंगे इसके, ये भी प्रेसिपिटेट बनाएगा और वो होंगे ब्राउन प्रेसिपिटेट। ओके जी, आगे देखें तो हमारे पास है कैल्शियम। सो कैल्शियम, ये देखें सोडियम ने कैल्शियम को हटा दिया, खुद इसके साथ मिलकर बना देगा सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पर 2 सोडियम क्लोराइड बनेंगे, और कैल्शियम मिल जाएगा इस OH के साथ और मिलकर बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो हाइड्रोक्साइड बनता है इसका जो कलर होता है वो होता है, सॉरी, इसका जो कलर होगा वो होगा वाइट, यहाँ पर बनेंगे वाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट PPT इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके, सो यहाँ पर आयरन क्लोराइड में ये Na आयरन को हटाकर खुद इसकी जगह ले लेगा, Na ने आयरन को हटाया उसकी जगह ले ली, और इस आयरन ने और OH ने मिलकर बना दिया आयरन हाइड्रोक्साइड। और इसके जो प्रेसिपिटेट होंगे वो होंगे डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट होंगे, बट मेरे पास डर्टी ग्रीन कलर तो नहीं है, इसी से लिख लेते हैं, ये होंगे जी डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट्स। और ये भी सॉलिड फॉर्म में अलग हो जाएगा। सो ये हमारे पास आगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास लेड नाइट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ने लेड को हटाना है, खुद इसके साथ मिल जाना है, और यहाँ पर बनेगा सोडियम नाइट्रेट, और
ये लेड और ये हाइड्रोक्साइड मिलकर बना देंगे, लेड हाइड्रोक्साइड, और इसका जो प्रेसिपिटेट होंगे वो होंगे वाइट, तो यहाँ बनेंगे वाइट प्रेसिपिटेट। ओके नेक्स्ट हम देखें तो जिंक क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है। सो जिंक सोडियम ने क्या करना है, जिंक को हटा देना है, क्लोरीन के साथ मिल जाना है, और यहाँ बनेंगे सोडियम क्लोराइड और जिंक और हाइड्रोक्साइड मिलकर बना देंगे जिंक हाइड्रोक्साइड, और इसके भी जो प्रेसिपिटेट होंगे वो भी कैसे होंगे, वाइट होंगे। होप सो यू एन्जॉय द लेक्चर एंड द साउंड ऑफ कुकर्ड इन द बैकग्राउंड साउंड, एज ए बैकग्राउंड साउंड क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, या तो वीडियो ना बनाऊँ या तो इसको बर्दाश्त करूँ, ये दो रास्ते हैं मेरे पास, तो इसको बर्दाश्त ही कर रहे हैं। सो कोई बात नहीं, इग्नोर करें आप भी, मैं भी जैसे इग्नोर कर रहा हूँ, पड़ोसियों का है हमारा अपना नहीं है, नहीं तो ज़िबा कर देता। ओके जी, रिएक्शन ऑफ बेसिस की अगर हम बात करें तो हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देख लिए, कुछ रिएक्शन देखे हैं, अगर कोई रह गया हो तो फिर चलें, कोई बात नहीं। अगर आपको समझ आई है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट पूछ सकते हैं, अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।